इन दोनों का योगदान इस हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा है, ये सब लोग जानते हैं। इस अवार्ड में मुझे बुलाया गया, मैं तो बेहद खुश हूँ कि आज इस दिन, इस शुभ दिन पर मेरी एक उपस्थिति यहाँ पर एक सम्मान का विषय है। जो मुझे सम्मान दिया जा रहा है इससे मैं बहुत खुश हूँ, और जो ये अवार्ड है इसके लिए मेरी शुभकामना है। और ये तीसरा अवार्ड फंक्शन है, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये अवार्ड हमेशा चलता रहेगा, और जो स्ट्रगलर्स, जो एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, फिल्म में जितने भी लोग स्ट्रगल करके अपना एक मकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जगह बना रहे हैं, स्थान बना रहे हैं, एक पोजीशन हासिल कर रहे हैं, उन लोगों को ये संस्था अवार्ड देती है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो मुझे अवार्ड मिलेगा तो मुझे बेहद खुशी होगी, क्योंकि अवार्ड बड़ी मुश्किल से मिलता है। कितना स्ट्रगल किया है, ओहो, अगर मैं कभी स्ट्रगल का बखान करूँ तो आप सब लोग जो है मायूस हो जाएंगे, बोले इतना स्ट्रगल है इस लाइन में। इतना स्ट्रगल करने के बाद में जब ऐसा अवार्ड मिलता है, और वो भी यूपी वालों का, बिजनौर यूपी में आती है, मैं आगरा करने वाला हूँ, तो मुझे तो बेहद खुशी है। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से अवार्ड फंक्शन होते रहें, मेरा पूरा जो है योगदान है इसमें, और शुभकामना है। मैं चाहूँगा कि ऑर्गेनाइजर बुलाते रहें सभी एक्टर्स को, और उनका हौसला बढ़ाते रहें। थैंक यू वेरी मच। जी, मेरा नाम बंटी राठौर है और मैं एक राइटर हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बेसिकली आई बिलोंग टू यूपी, मैं मेरठ से ही हूँ, और बिजनौर जैसे रिजवान भाई ने जो मुझे इनवाइट किया है यहाँ पर, तो अच्छा लगता है। एक हालांकि एक आर्टिस्ट के लिए सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया अपनी है, लेकिन फिर भी अपने ही क्षेत्र के कुछ लोग ऐसा कुछ करते हैं तो अच्छा ही लगता है, इसलिए मैं आया अभी। जैसे कि आपने कहा राइटर है, जीतने से अवार्ड दिया है, लोगों को अलग अलग क्षेत्र में लोग अच्छे काम किए हैं, तो लोगों के अच्छे काम को देखकर अवार्ड दिया जाए, तो आपको लगता है आपको भी कुछ अवार्ड दिया जाए? सर, मुझे ये तो कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि पता नहीं मैंने जो काम किए हैं वो अच्छे किए हैं नहीं किए हैं। मेरी कुछ फिल्में आई हैं अभी तक, धमाल, ऑल द बेस्ट, खिलाड़ी 786, ये फिल्में मैंने लिखी हैं, तो मुझे सिर्फ इनवाइट किया गया। अभी अवार्ड मिलेगा तो भी ठीक है, पर मैं यहाँ आकर जो आप लोगों के प्यार का रिवॉर्ड मिल रहा है वो बहुत है मेरे लिए, तो उससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। आने वाले मेरे हैं दो तीन प्रोजेक्ट जो भी लाइनअप चल रहे हैं, जिनके टाइटल्स फाइनल नहीं हैं, जिनमें हिमेश भाई की एक अगली फिल्म है एक्सपोज, मैंने लिखी थी हिमेश भाई की, एक्सपोज 2 है, बट अब उसमें भी टाइम है, अभी तो उनको चल रहा है। इसके अलावा भी एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जो फाइनल टच पे आने के बाद मैं आपको बता पाऊँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।